नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं उस बंदे को जानता हूँ जो सबसे आखिर में दोजख से निकाला जाएगा और जन्नत में डाला जाएगा। सबसे आखिर में दोजख से निकलेगा और जन्नत में जाएगा, मैं जानता हूँ। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह ताला अपने करम से, अपनी रहमत से, ये ज़रा अंदाज़ देखिए। इस पर हुजूर बड़ा मुस्कुराए, बयान करके बड़ा मुस्कुराए। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह ताला अपने करम से, अपनी रहमत से ना उस बंदे को करीब करेगा, अपने करम के और करीब करके ना उसे उससे गुनाह पूछेगा। ये भले गुनाह किए थे, छोटे छोटे गुनाह सगीरा ये किए थे, अब क्या करे। उसे पता है कि मालिक तो सारा जानता है, वो कहेगा मालिक वो हो गई गलती, मैं भूल गया था। अल्लाह फरमाएगा, ये वाला भी किया था, या अल्लाह गलती हो गई, नफ्स गालिब आ गई। ये वाला भी किया था, अल्लाह मैं भूल गया था। हुजूर फरमाते हैं, अब ये बंदा डर रहा है कि ये तो अभी छोटे छोटे हैं, मेरे तो पाप भी हैं बड़े बड़े पीछे, ये जो शुरू हुआ है काम तो ये कहीं दूरी ना निकल जाए, क्योंकि ये तो छोटे छोटे गुनाह सगायर अभी आ रहे हैं, तो पीछे कबायर भी हैं और बड़े बड़े गुनाह हैं। नबी करीम फरमाते हैं, वो डर रहा है, जब उसके छोटे छोटे गुनाह गिनवा लिए जाएंगे ना, अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएगा, इसके इन सारे गुनाहों को मिटा के इस जगह पे नेकियां लिख दो। नबी पाक फरमाते हैं, जब कहा ना इसके गुनाह मिटा के नेकियां लिख दो, तो फौरन बोल पड़ा, कहने लगा या अल्लाह मैंने तो बड़े बड़े भी किए, अल्लाह वो बड़े बड़े भी तो मेरे ही है ना, वो किधर गए। तो हुजूर इस बात को बयान करते मुस्कुराए, और सहाबा फरमाते हैं इतना मुस्कुराए कि हमने मुकद्दस दांतों से नूर निकलता देखा।